अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लाला एवरी एक्सप्लोरर। तो दोस्तों आज हम एक भाई के फार्म पे आए हैं। तो माशाल्लाह इन्होंने लव बर्ड का सेटअप लगाया हुआ है, जिसमें इनके पास लव बर्ड में कॉमन लटीनो फिशर हो गया, कोबाल्ट वायलेट कलर फिशरी, और कुछ इनको इन्होंने वर्किंग के पेयर भी लगाए हैं जिनमें पारब्लू पेस्टल है, अल्बाइनो रेड एज वगैरह है। तो गुजरांवाला में इन्होंने ये सेटअप लगाया है, तो चलिए इनसे बात भी करते हैं और तमाम पेयर को वन बाय वन हम देखते हैं और इनकी प्रोग्रेस वगैरह आपको चेक करवाते हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। जी मोहसन भाई आ गए। अस्सलाम वालेकुम मोहसन भाई। वालेकुम सलाम आदर भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो जी मोहसन भाई, हमारे व्यूवर को आप क्या आज दिखाएंगे अपने शेड पे? जी जी भाई ज़रूर यार, जैसा कि मैंने ये अभी सेटअप ना स्टार्ट किया, अभी थोड़ी देर ही हुई है, तो स्टार्टिंग अभी किया ग्रीन फिशर है, जैसा कि स्प्लिट ऑफलाइन है, और इसमें से जो सादा ये लटीनो वगैरह हो गया, जैसे ब्लैक हो गया, अल्बाइनो ब्लैक हो गया, तो इसके साथ साथ ही मैंने वर्किंग के लिए कुछ दो तीन जोड़े लगाए हुए हैं। ये जोड़े लगे हुए हैं पारब्लू स्प्लिट इनो है, पारब्लू पेस्टल है जी जी। तो इसमें अल्बाइनो रेड एज भी हैं। ठीक हो तो इंशाल्लाह बाकी मैंने बुकिंग की हुई है नेक्स्ट सीजन के लिए वर्किंग में ही जो इंशाल्लाह करना है। तो उसके साथ साथ मैंने भैया जावा लगाया हुआ है। जावा आपने वन बाय वन लगाया? जी जावा भाई वन बाय वन ही अच्छा रहता है, मतलब कॉलोनी में भी ठीक रहता है, लेकिन मेरा तो अभी फर्स्ट एक्सपीरियंस है इसमें भी, तो मैं ज़रा ना अपने मतलब एक्सपीरियंस के लिए वन बाय वन भी लगाया हुआ, और जैसे कि मैं कॉलोनी देख रहा मैंने उधर भी लगाया हुआ है, लेकिन वो अभी मतलब थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा तो फिर ही। इसके साथ साथ भैया मैंने लगाया हुआ है डव, सिंपल डव भी है, ये पाई डव है। तो माशाल्लाह पेयर ने एग ले किए हुए हैं। जी भाई इसकी मतलब तीसरा क्लच है, पहले क्लच में इसने दो बच्चे दिए हैं, तो दूसरे क्लच में भी इसने दो बच्चे ही दिए हैं, लेकिन वो एक्सपायर हो गए सर्दी की वजह से, तो अभी भी ये लिंक करके तो बैठी हुई है। ठीक हो गया। तो चले मोहसन भाई, हमें अपने शेड पे जो है ना पेयर्स की प्रोग्रेस और पेयर्स को चेक करवाएं कि आपके पास कौन कौन से लव बर्ड में पेयर लगे हुए हैं। जी जी इंशाल्लाह ज़रूर भाई चले। तो जी मोहसन भाई शुरू करते हैं, हमें पहला पेयर कौन सा दिखाएंगे आप? भाई ये देखिए सिंपल लगा हुआ है, निवेशक से लेके आए हैं ये वाला जोड़ा ना। ठीक हो गया ठीक हो गया। ये पेस्टल का मेल और ब्लू की, हाँ ब्लू की फीमेल है। ठीक हो गया। चले अब दूसरा पेयर देखते हैं अगला। इसमें आपने लटीनो का पेयर, मैंने सादा मतलब लटीनो लगाया हुआ, तो इसने पहले क्लची की है, उसने पांच एग मतलब दिए हैं, तो सात मतलब पाँच के पाँच ही बच्चे हैं, सर्दी की वजह से ना दो एक्सपायर हो गए, तो तीन मतलब सर्वाइव कर गए। ठीक हो गया ठीक हो गया। तो अगला पेयर देखते हैं, अगला पेयर कौन सा है? ये भी आपने एक और लटीनो लगाया हुआ है। लटीनो तो वैसे पोस्टिंग के लिए बहुत ही अच्छा पेयर रहता है भाई, ये मेरे एक्सपीरियंस में ना मतलब सबसे अच्छा पेयर यही है, क्योंकि ये पांच अंडे देता है, मतलब बच्चे भी पांच करता है, तो सर्वाइव मतलब बहुत अच्छी बच्चे करता है ये वाला। ठीक हो गया ठीक हो गया। तो जी ये कौन सा पेयर है मौसम भाई? भाई ये ग्रीन फिशर स्प्लिट ऑफलाइन है। ठीक हो गया ठीक। इसकी मास्किंग आउट क्लास है यार, आप पकड़ के ज़रा चेक करवाएं। जी ज़रूर। ये देखें भाई माशाल्लाह बहुत ही जो है ना खूबसूरत है, इसकी मास्किंग है प्योर फिशरी में ये नज़र आ रहा है, पैच भी माशाल्लाह इसका बहुत खूबसूरत है, इसका फ्रंट पैच की ज़रा मास्किंग दिखाइएगा। ठीक हो गया ठीक हो गया। तो माशाल्लाह इसने एग वगैरह ले किए हैं। जी भाई लेंग किए हुए थे। ठीक हो गया ठीक हो गया। तो जी दोस्तों एक ये अच्छा नादर भाई एक ये वाला जोड़ा, इसे मैंने विजुअल के साथ ना एक मैंने ब्लैक का लगाया हुआ, क्योंकि ये मतलब अंडे फर्टिलिटी में ना मतलब मसला करते हैं, तो ब्लैक के साथ मैंने लगाया हुआ रेड डाइज, ये अल्बाइनो ब्लैक के स्प्लिट रेड डाइज है। ठीक हो गया ठीक हो गया। तो जी मोहसन भाई अगला पेयर चेक करते हैं, माशाल्लाह इस पेयर ने तो चीक निकाले हुए हैं, बाहर आए हैं। जी भाई इसने मतलब पांच आगे अंडे दिए थे पांच, और एक अनफर्टाइल हो गया था अंडा, और बाकी चार के चार बच्चे माशाल्लाह बेहतरीन है।
माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है, पेड़ ने बहुत ही हेल्दी जो है ना बच्चों की ग्रोथ की है। तो जी मौसम भाई, हमें जो आपने वर्किंग के जो पेड़ लगाए हैं जो कि आप बता रहे हैं लाहौर में नवीश शेख साहब हैं उनसे आपने लिए थे, तो वो तो जरा चेक करवाएं वो कौन से हैं। ये वाला जोड़ा मैं नवीश शेख साहब से लेके आया हूँ, तो इसने ये अभी ना दूसरे क्लच में, अब पहला क्लच इसने किया तो वो मैंने मतलब फोस्टिंग कर दी हुआ पेयर ना, मतलब आंडे फोस्टिंग की हुई है लिटिनों के नीचे। एक ये वाला अभी भी मतलब लिंक करके तो बैठी हुई है फीमेल, तो इसके साथ साथ ही ये भी है फीमेल, पार ब्लू पेस्टल की फीमेल है स्प्लिटिनो, और इसके साथ अल्बानो का ही मेल लगाया हुआ मैंने। ठीक हो गया माशाल्लाह, ये भी खूब है। इसकी वर्किंग में से क्या क्या आएगा यार? इसकी वर्किंग में से क्रीमिनो आएगा, डेकिनो आएगा, ब्लू फिशरी आएगा, अल्बिनो रेड आएगा। ठीक हो गया, यानी कि एक्सपेंसिव मटेरियल्स में जितने भी हैं वो आपसे जो है ना कहने के आपको ऑफर हो सकती है। जी भाई इंशाल्लाह ज़रूर। तो आपने ये एक जावा वाइट जावा का पेड़ लगाया, तो इसकी फीमेल अंदर एग पे बैठी हुई है, एग पे बैठी हुई है, तो अनकरीब ही इंशाल्लाह बच्चे हैचिंग हो जाएंगे इनमें से। ठीक हो गया, ठीक हो गया, चलें अगला पेड़ चेक करते हैं। ये भी सेम ही है जावा वाइट जावा, इनों की भी पीए जो है ये भी फीमेल अंदर बैठी हुई है, लिंक की हुई है इसने। ठीक हो गया, ठीक हो जी। इसी तरह आपने एक ये भी पेयर रेड आइज टू ब्लैक आइज लगाया है, ब्लैक है स्प्लिटिनो है। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ये भी खूबसूरत पेयर है यार। हाँ ये भी नवीस से ही आया, नवीस के हिसाब से ना। ठीक हो गया, तो वो आपके पास ये ग्रे का भी जावा है? जी भाई ये ग्रे का जावा, ये नादर भाई है इधर छीनाबाद में, मैंने उनसे ना ये वाला जोड़ा परचेज किया, इसने छः अंडे दिए, और कमाल की बात ये है कि इसने छः अंडों में से छः के छः बच्चे हैच किए हैं, और वो छः के छः सर्वाइव कर गए हुए हैं, तो बड़ी अच्छी प्रोग्रेस है यार इनके ना। चलें सर, ओके हो गए। तो जी मोहसिन भाई ये एक पेड़ मैं देख रहा हूँ, ये कौन सी म्यूटेशन है भाई? ये तो वायलेट फिशरी है, इसके साथ में ये मेल विजिबली है, इसमें से इंशाल्लाह ना ऐसे लिंक की हुई है, इंशाल्लाह इसमें भी मतलब हैचिंग हो जाएगी इसमें। ठीक है, इसके बाद ये भी आपने एक ब्लैक आइज का पेड़ लगाया हुआ है? हाँ ये मेरे पास जो ब्लैक आइज स्प्लिट इनो था, और वो इसमें जो मतलब फीमेल है ना वो ब्लैक है दिया, ये बस मैंने लगा लिया पोस्टिंग के लिए, तो बस इसलिए। इसके बाद जो डब है, डब का हमने पहले दिखा दी है वाइट के डब, इसके बाद आपने एक रिंग नेक का भी पेड़ रखा हुआ नादर भाई, इसका भी बचपन से शौक था यार कि इसका भी इंशाल्लाह सेटअप स्टार्ट करेंगे, ये अभी मैंने ना फिलहाल एक जोड़ा स्टार्ट किया हुआ, तो लिंक तो नहीं अभी की, लेकिन इंशाल्लाह अनकरीब ही लिंक कर देगा इंशाल्लाह जल्दी ना। चले ठीक हो गया, और आपने फ्लाइंग के लिए केज बनाया है? जी नादर भाई मैंने, माशाल्लाह ठीक है ये। तो दोस्तों ये केज आप अपने शेड में इस तरह की एक छोटी सी एवरी लाजमी बनाएं, इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके जितने भी चीक वगैरह निकलेंगे उनको फ्लाइंग अच्छी मिल जाएगी, जिनसे उसकी ग्रोथ और बहुत से मामला जो है ना वो क्लियर हो जाएंगे। आप देख सकते हैं जो पहले जावा के बच्चे निकले थे मोहसिन भाई ने, वो इधर छोड़े हुए हैं फ्लाइंग में, और कुछ डब के पीस निकले थे पाइड नादर भाई, ये पाइड डब के दो पीसेज हैं और बाकी जावा के पीसेज हैं, बाकी मतलब जो आए थे ना वो सेल हो गया, और पहला कई तकरीबन मेरा ऑलमोस्ट सेल हो गया हुआ माशाल्लाह। मोहसिन भाई बहुत मज़ा आया आपकी जो है ना इधर शेड पे आके, दिल खुश हो गया, तो इंशाल्लाह ताला आपको जो है ना आपका नंबर मैं स्क्रीन पे दे दूँगा, तो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी बोल दें ताकि जिन दोस्तों ने आपसे रब्ता करना है तो आपके साथ रब्ता भी कर लें। 0307-6476-307। ठीक हो गया, ओके सर। और व्हाट्सएप भी मोहसिन भाई इसी नंबर पे बना? जी जी नादर भाई इसी सेम नंबर पे ही मतलब बना हुआ है। तो जी दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो अगर मेरी ये वीडियो आज की जो बनाई है पसंद आई है तो इसे लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, फ़ी मानिल्ला, अल्लाह हाफिज़।